भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जो कहते हैं वो करते हैं। जी हाँ, इस बार भी जो उन्होंने कहा वो किया। उन्होंने कहा था कि वो जब भी किसी का चुनाव प्रचार करेंगे, जिसके लिए वो हमेशा से ओपन रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो चुनाव प्रचार नहीं करते, रैलियां नहीं करते, करते हैं सब कुछ, लेकिन अगर उन्हें कोई मोटी रकम दी जाए तब। इस बार उन्होंने फिर बीजेपी का दामन थामा है, जैसे कि पिछले बार भी उन्होंने बीजेपी का ही चुनाव प्रचार किया था। लेकिन इस बार सवाल उठता है कि भाई बीजेपी का चुनाव प्रचार तो कर रहे हैं खेसारी लाल यादव, तो भाई कितनी मोटी रकम उन्हें मिली है? क्योंकि छोटी मोटी रकम और किसी रिश्ते के हवाले से तो खेसारी लाल यादव किसी का प्रमोशन करने वाले नहीं है। भाई अब प्रमोशन में सपना चौधरी भी अगर उनके साथ है तो खेसारी लाल यादव की डिमांड तो ज्यादा ही होगी। वैसे इससे पहले चुनावी मैदान में दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से अपना चुनावी पर्चा भर भी चुके हैं और वहां से प्रचार प्रसार में खूब जुटे हुए भी हैं। साथ ही भोजपुरिया के जितने भी कलाकार हैं, छोटे हो या बड़े, सभी दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए रात दिन एक किए हुए हैं, वहां प्रमोशन कर रहे हैं। ये तो भाई रही निरहुआ की बात, लेकिन बात जब खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की आती है तो यही बात उठती है कि पवन सिंह भी तो दिनेश लाल यादव निरहुआ से पहले बीजेपी ज्वाइन किए, लेकिन उन्हें कोई टिकट नहीं मिला। खैर कोई बात नहीं, अब वो स्टार प्रचारक के रूप में हर जगह प्रचार कर रहे हैं। पार्टी का नेता होने के कारण अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन जब बात खेसारी लाल यादव पर आती है तो सारे मुद्दे उठकर पैसे पे आकर टिक जाते हैं। लाल यादव तो उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन भी नहीं किया है, बीजेपी में वो एक प्रचारक के रूप में है, प्रचार कर रहे हैं और सभी से घूम घूम के कह रहे हैं कि इस बार मोदी सरकार। लेकिन फिर भी मुद्दे की बात रह जाती है कि भाई बीजेपी का प्रचार करने के लिए खेसारी लाल यादव ने कितनी मोटी रकम ली है, क्योंकि इससे पहले खेसारी लाल यादव कह चुके हैं बगैर मोटी रकम के वो कहीं प्रचार करने जाने वाले नहीं है। वैसे बीजेपी को ज्वाइन करने वाले जितने भी एक्टर हैं, सभी ने मनोज तिवारी की बात पर बीजेपी ज्वाइन की है, लेकिन इकलौते खेसारी लाल यादव ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की, लेकिन प्रचार वो बीजेपी